हाय फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार काला और मेरे साथ में साथी ट्रेनर ललित दलाल जी, हम आपका अपने YouTube चैनल शशि काला में स्वागत करते हैं। आज मैं आपको लेग स्पिन के ऊपर कुछ लेसन दूंगा। मेरे साथ दिल्ली के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी करण डागर भी हैं और हमारे एकेडमी के दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। ये दोनों लेग स्पिन स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों काफ़ी अच्छा लेग स्पिन डालने लग गए हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लेग स्पिन क्या क्या फंडा है, क्या फंडामेंटल स्किल है बेसिक, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक तो आपको लेग स्पिनर बनने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, आपका जिगरा आपका मजबूत चाहिए। कारण क्या है कि लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर होता है जो टीम की जान होता है। अगर लेग स्पिनर बॉलर जिस दिन चल गया तो पूरी टीम को संभाल लेगा, अपनी टीम को बिल्कुल शोल्डर अप कर देगा। लेकिन जब पिटाई होती है लेग स्पिनर की तो भी इसकी पिटाई ज़्यादा होती है। तो इसमें आप याद ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेग स्पिनर जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना उसको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप सोचें कि आम बॉलर बनने के लिए आपको एक घंटा डेढ़ घंटा नेट पर गुजारना होगा, ऐसा नहीं है। आपको लंबा लंबा टाइम व्यतीत करना पड़ेगा, सिंगल विकेट करनी पड़ेगी, अपनी बॉलिंग पोजीशन पे वर्क करना पड़ेगा, आपकी अपनी ग्रिप पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप दोस्तों आपको एक ही बात कहूंगा, आप लेग स्पिन का बेसिक चीज ध्यान रखें। आपको लेग स्पिनर बनना है तो सिर्फ लेग स्पिन पे ही ध्यान दें। कई बार नन्हे मुझे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सोचते हैं शेन वॉन लेग स्पिन भी करते थे, फ्लिपर भी करते थे, गुगली भी करते थे, या अनिल कुंबले टॉस स्पिन करते थे। तो आप वो छोड़ दीजिए, आप अपनी किसी से तुलना मत कीजिए। रोल मॉडल जरूर बनाइए अच्छे बॉलर्स को, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपने लेग स्पिन बनना है तो आपका बेसिक क्या होना चाहिए। बेसिक है आपको लेग स्पिन पूरी ज्यादा होनी चाहिए, लेग स्पिन पूरी टर्न होनी चाहिए, आपकी बॉडी उस पर लगनी चाहिए। लेग स्पिन के लिए जो आइडियल ग्रिप है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ऊपर रखनी है। आपका जो रिंग फिंगर है इसका बहुत बड़ा अहम रोल है लेग स्पिन में। लेग स्पिन में आपका रिंग फिंगर जो है इसका बहुत अहम रोल होता है। तो इसके लिए ये दोनों फिंगर, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर सीम के ऊपर, और ये जो रिंग फिंगर है इस सीम के इस तरफ, और कोशिश कीजिए कि आपने बॉल को अच्छे से ग्रिप किया हो और पाम नहीं लगनी चाहिए बच्चों। आपकी बॉल पाम पे नहीं पकड़नी, ऐसे नहीं पकड़नी, आपने बॉल को ग्रिप करना है फिंगर से, और विद द हेल्प ऑफ रिंग फिंगर आपने बॉल को रोटेट करना है। जितना रोटेट कर सकते हैं, जितनी आपकी कलाई की क्षमता है, जितनी आपकी फोर आर्म में पावर है उसका यूज करना है। पूरी बॉडी का फोर आपने जो पावर है वो आपने आगे बढ़ाना, बॉल को देना, बॉल के ऊपर लगाना है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, बॉल को ऐसे पकड़ेंगे और बॉल को जितना हो सके बॉल को रोल करेंगे। ऐसे जितना रोल करेंगे बॉल को, आप घर में हैं, बाहर हैं, जब भी आप खाली टाइम में बॉल अपने पास रखिए, बैग में बॉल रखिए और बॉल को ऐसे कीजिए, करिए, हाँ ऐसे कीजिए बिल्कुल। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी आदत बन जाएगी। जब आपके पास बॉल, कई मैंने देखा है बॉलर बॉल ऐसे डालते हैं, लेग स्पिनर है लेकिन बॉल को ऐसे घुमाते हैं, नहीं, आप ऑर्थोडॉक्स बॉलर नहीं है, आप ऑफ ब्रेकर नहीं है, ऑफ कटर नहीं है, आप लेग स्पिनर है, उल्टे बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है। तो उसके लिए आपको रिस्ट पर ही काम करना पड़ेगा, जितना हो सके बॉल को नचाना ऐसे। अगर मीडियम पेसर बॉल को बैक स्पिन करने के लिए मैंने एक पीछे आपको एक इक्विपमेंट दिखाया था जिससे आपको बैक स्पिन करनी है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है। और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा करेंगे इसको, फिर जितना ज्यादा फ्लाइट से करेंगे इसको। ये दूसरी चीज, आपका जो बेसिक बॉलिंग एक्शन है, चाहे आप ओपन चेस्ट है, चाहे आप साइड ऑन है, दोनों से आप बॉल को अच्छे से लेग स्पिन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इजी मेथड जो है आपका, बहुत बढ़िया इजी मेथड जो है वो आपका साइड ऑन है, साइड ऑन पोजीशन। आपने अपने टारगेट को देखना है, टारगेट को देखना है और इसको हाथ को नीचे लाना है, और ये बॉडी पोजीशन, ये जो आपका जो पैर है ये जस्ट थोड़ा सा अक्रॉस डालना है ताकि बॉडी इधर से जब आप रोटेट करके लाएंगे तो ये पूरी बॉडी की पावर लगे, ये चीज का याद रखना है। और कोशिश कीजिए इस नी को बेंड कीजिए, ये ड्रिल है बहुत अच्छी, इसको बेंड कीजिए और यहाँ से इसको टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग रखिए टो को, और कोशिश कीजिए यहाँ से बॉल को डालना है। और सेम पोजीशन याद रखिए, आपकी
थर्ड स्लिप की तरफ होनी चाहिए अगर आप लेग स्पिनर हैं, और कोशिश कीजिए कि कान के पास से ज्यादा ना हो, थोड़ा सा दूर से आए, थोड़ा सा दूर से आए, और बॉल को यहां से छोड़ना है, ना कि यहां से छोड़ना है। यहां से छोड़ेंगे ज्यादा एयर में जाएगी, तो यहां से छोड़िए, ना ज्यादा एयर में जाए और ना ज्यादा बहुत छोटी पड़े बॉल। ध्यान रखेंगे, फिर के दिखाइए दोनों, हाँ नी बेंड करके दिखाइए, दोनों आर्म चलनी चाहिए, दोनों आर्म चलनी चाहिए, दोनों आर्म चलेंगी। इसको हाथ को ऊपर मत रखिए, इसको बेंड करके लाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लीवर है, ये लीवर, इस हाथ का लीवर छोटा होना चाहिए, इस लीवर को बड़ा रखना है, क्योंकि दोनों लीवर बड़े हो जाएंगे तो इसमें पूरी ताकत नहीं लग पाएगी। इसको तुरंत लाना जल्दी, और साइमल्टेनियसली दूसरा हाथ तेज लाना है, करिए। हाँ हाँ, इस हाथ को लाए, ऐसे लाए, और हाथ को ऐसे लाए झटके से, और बॉडी तुरंत वापस आए। हाँ करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका बेसिक फंडामेंटल है, आपको बॉल कैसे पकड़ना है, बॉल को कैसे नचाना है, और बॉल को कैसे छोड़ना है। बिल्कुल वही है, बैकफुट लैंडिंग पैरेलल टू द क्रीज, आपका पैरेलल टू द क्रीज होनी चाहिए बैकफुट लैंडिंग, और फ्रंट फुट लैंडिंग जो है टुवर्ड्स, आपका जो टो है टुवर्ड्स द स्क्वेयर लेग अंपायर की तरफ होना चाहिए। और यहां से जब आप लाएंगे बॉडी को लाएंगे, तो आपका जो है बॉडी का पूरा पावर लगेगा, इसका आपका हिप का भी पावर लगेगा, आपके पैरों का पावर लगेगा, पूरे फोरआर्म की पावर लगेगा। मुझे उम्मीद है इस YouTube चैनल में जो मैंने आपको बताया है, इस बेसिक पे आप वर्क करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे, और अपने गंतव्य स्थल को, जो आपका जो टारगेट है उसको आप अचीव करेंगे। जय हिंद। स्पिन कराना, एक मैं तेरे को बता दूं कि उधर जाना है तो तू चला जाएगा कि हाँ ये रास्ता है। अब मैं बोलूं कि द्वारका जाना है, तू अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा ना, इधर से भी जा सकता हूँ, उधर से भी जा सकता हूँ, तो फ्री है। मैं चाहता हूँ फ्री बॉडी टाइट हो जाती है, अगर आप जब जब टप्पा लगाएंगे ना, हमारी बॉडी टाइट रहती है, क्यों हमारा दिमाग रहता है कि टप्पे फेंकनी है वो, लेकिन हमें टप्पे नहीं फेंकनी, हमें सिंगल विकेट जब करते हैं हमारी बॉडी को आदत डालनी है, उस मसल्स को आदत डालनी है कि लेग स्पिन ऐसे हो गया, ये लेग स्पिन, ये हाथ पीछे जाना चाहिए, फिंगर्स चलनी चाहिए, ये है, फिर आपको ये आ जाएगा ना, तो बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है बैट्समैन के हिसाब से। अगर आपको ये आ गया ना, तो आप कभी भी एडजस्ट कर लोगे, कैसा भी बैट्समैन हो। अगर आपको टप्पे भी डालनी आती है ना, तो बैट्समैन के हिसाब से नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, कोई हर बैट्समैन का अलग टप्पा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इसी टप्पे पे सारी दुनिया आउट हो जाएगी, इस पर छक्का भी मार देगा इसको, है ना, कोई छोटे पैर से खेलता है कट मार देगा इसको, कोई बला खेलता है यहीं से मार देगा, तो टप्पा नहीं, सिर्फ ऐसे बॉल उठाए करो, ऐसे किया करो, बस हाथ चलने चाहिए, बॉडी चलेगी हाथ चलेगी तो अच्छा लगेगा, और फिर आदत हो जाएगी उन मसल्स को, मसल्स को हैबिट करानी है हमें कि बॉल हाथ से निकल रही है, समझा, समझ रहे हो, ये चलो ये मैं मानता हूँ तुम ये जो कर रहे थे इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे थे टाइट, तो टाइट से थोड़ी ना कुछ होगा, क्योंकि आपने टाइट कर दिया ये हाथ, ये तो मूव ही नहीं हो रहा, आप इस पर फोकस करो कि ये किधर गिर रहा है, बस इसको आराम ऐसे रहो, और जब जब इस हाथ पे ध्यान रहेगा ना, बहुत कंट्रोल में रहोगे, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि गोली गिर जाएगी, और पीछे जैसे छोटी गिर जाती है, छोटी क्यों गिरती है, मतलब आप सोचते हो कि मैं स्पिन करा दूँ, स्पिन कैसे होगी, अगर आपकी बॉडी लगेगी तो स्पिन होनी होनी है, हम सोचते हैं, अब कोई बोलता है कि आपका पैर नहीं घूम रहा, अगर हम जबरदस्ती घुमाएंगे ना इसको तो कभी नहीं घूमेगा, ये कैसे घूमेगा, जब मेरा वेट आ जाएगा इस पर, है ना, इस पे बॉडी पे वेट आएगा तो ये अपने आप घूमेगा, क्योंकि लेग स्पिन आर्ट ही ऐसी कि मैं जब तक ऐसे नहीं करूंगा ऑटोमेटिकली घूम रहा है। अब मेरे को कोई बोलेगा कि पैर घुमा, अभी पैर घुमाने जा रहा हूँ, हाथ पैर इधर जा रहे हैं, है ना, तो ऊपर जो है ये ड्राइवर है, ये ऊपर जैसे ऊपर की बॉडी चलेगी ना, नीचे की अपने आप घूमेगी, मतलब ये पुश है, ये पुश ऐसे, जब जब बॉलिंग खराब हो जाए ना तो सोचो कि ये पैर उठेगा ना, ये पैर उठाना है मेरे को, बस ऐसा होता है, ये पैर उठाना है, देख पैर भी घूम रहा है और जा भी रही है, क्योंकि वो बताने का तरीका ऐसा है कि पैर नहीं घूम रहा, रिस्ट नहीं घूम रही, है ना, तो वो कैसे इजी करना है कि मैंने हाथ है, मैंने पैर है, तो रिस्ट भी चलेगी और ये भी चलेगा, समझे, और देखा भी डालते हैं बोल, देखा भी देखो इसको, वो पैर आगे ले जाना है, देख पैर सिर्फ पैर पे ध्यान दे,
सिर्फ मेरा काम है ऐसे करके तो पैर बोला किसती है बोला अपने आप ही खींचेगी, जब तेरा पैर ये क्या गया ना तो क्या बोल चल बोल डाल के जाओ चलो आरन डालो आप फिर से डालना और अभी पता क्या है उधर मत देख कहाँ जा रही है ठीक है अभी ये देख कि छूट किधर रही है बोल देख इधर छूटी बोल किधर जाएगी उधर ही जाएगी ना हमें ये बोलते ना कि बंद करो बंद हम जबरदस्ती नहीं कर सकते नहीं कर सकते ये जैसा नेचुरल है मेरा शुरू से ऐसा है तो आप सिर्फ ये कोशिश कर सकते हो मैं इसको ऐसे उठाऊं बस जब इसको उठाऊंगा तो देख बॉडी अपने आप बंद हो जाती है देख इसको ऐसे उठाऊंगा तो अपने आप बंद हो जाती है ना तो इसको इधर फिनिश कर इधर इधर ये इधर और ऐसे फिनिश कर ऐसे उधर पुश नहीं करनी बोल ऐसे लेग स्पिन करनी है चल फेंक अभी ना जो पोल है ना इस पोल को देख उसका बड़ा पोल है जो अभी क्या कर रहे हो छोड़ दी इस हाथ पे तो ध्यान ही नहीं है हमें मेन इस हाथ पे ध्यान रखना है इस हाथ पे अगर ये हाथ ये दिखा ये हाथ तेरा छूट रहा है देख अभी अभी तो क्या किया तुमने ऐसे किया और ऐसे छोड़ दी ये देख कितना हल्का इस पे कंट्रोल रहेगा ना ये ऐसे छूटेगा ऐसे तब उधर जाएगी बोल अगला शोल्डर थोड़ा सा डाउन करना होगा अगला शोल्डर थोड़ा सा डाउन होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली राइट शोल्डर आएगा पूरा पूरा राइट अभी ना मैंने उस दिन कुछ बताया था रिदम से भी और जोर से देखे ऊपर मतलब रन अभी थोड़ा फास्ट रख मैं चाहता हूँ कि छोटी बॉल देखे देखो जोर से देखे जमीन में देखे मारे तेज है थोड़ा ये देखियो यार समझ गया अभी तेरा पता है जब हम सोचेंगे ना जोर से फेंकनी है तो बॉडी का एफर्ट लगता है वहां खड़ा होता है ना जब सोच की जोर से फेंकनी है मन में जोर से फेंकता हूँ अभी सोच जा दोबारा अपने आप ही उधर जाएगी अपने आप ही तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी वही रिएक्ट करती है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलता है समझ रहा है हम सोचेंगे कि यार मन में सोचो मारना दे वो छक्का खाएगा सुपर से अभी बहुत अभी डालता हूँ घुमा लेता हूँ उसको मुझे मन में ये उधर खड़ा होता है ना जब भी ये इमेजिन करनी है अच्छी बॉलिंग की मैंने ऐसे फेंकी उधर चली गई ओवर्स में चलेगी स्लिप में चलेगी फिर देख इमेजिन करके देख लीजिए खुद ही अभी खुद की पैर खोले हुए तो नहीं इधर भी खोले मैं कह रहा हूँ पैर अगर चलो अभी ना पता क्या इधर ये सबसे बड़ी गलती क्या है इधर से ना इधर से उधर पुश करता है पुश और मैं पता क्या चाहता हूँ ये जो ये पाम है ना ये पाम ऐसे होना चाहिए लेग स्पिन में लेग स्पिन में जब छुटती है ना तो पाम ऐसे होता है ना पाम ऐसे तो ऐसे छुटती है ना वो तो आप पता क्या करते हो उधर पुश करते हो बोल वो मैं चाहता हूँ इससे ना नीचे की तरफ ले जानी है वो इस फिंगर से हर फिंगर से सीधा आप करो जरा पहले इसके बाद आप करना करते हैं ऐसे उधर पुश करता हुआ पुश करेगा ना कभी स्पिन नहीं होगी बैट्समैन को ऐसे देखना है बोल ऐसे आनी चाहिए बैट्समैन के पास ऐसे अगर उधर से आएगी तो साइड में तो आराम से पीछे से खेल देगा ऐसे मार देगा ना तो बैट्समैन को ऐसे दिखानी है बोल ऐसे
फिर वो एडजस्ट करेगा ऐसे, वो कैसे आएगी जब कुछ थर्ड फिंगर से छोड़ेगा तो वो कैसे छोड़ने ऐसे छोड़ेगा। जब जब इस फिंगर के ऊपर से छुटेगी ना वो डिफिकल्ट है बोल रहे हैं ना, जब ऐसे आ गई ना पर ऊपर से बोल तो बैट्समैन को दिक्कत होनी होनी है वो तो फील करके थर्ड फिंगर से छोड़नी है मेरे को बिल्कुल। बस हम ऐसे घुमाते हैं तो उसी फिंगर से छूट गई है, थर्ड से ही खेलते हैं ना। तो अभी मेरे को ये पाम ऐसे चाहिए, आपकी बार ऐसे चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे चाहिए ऐसे बोल, इससे फ्लिप कर पहले जब तेरी बोलने ऐसे जा रही थी ऐसे ऐसे कॉक करके डाल, दोबारा डाल, चल भाई सीन से जाएगी बोलेंगे। आओ सिद्ध, सिद्ध जैन उस दिन सर ने बताया ना सिर्फ लेग स्पिन पे ही कंसंट्रेट करना है, ठीक है कैन भैया ने बताया था ना सिर्फ लेग स्पिन पे कंसंट्रेट करो, एक और डालो लेग स्पिन और डालो एक करंट डालो, करंट दोबारा डालना, देखो करंट भैया को देखो एक बार, ब्यूटी आर्यन तुम डालो, अब आर्यन शाबाश, सीम से सीम पे तेरी फिंगर लगेगी ना फिर देखते हैं, सिद्ध डालो सिद्ध डालो सिद्ध जाए, एक काम करना है सिर्फ तेरे को इधर ना इधर ऐसे गिरते गिरते निकालना, अपने ही शॉट मार दे, कंट्रोल में रख अपनी बॉडी को समझ रहा है, और अंदर नहीं जाना यहाँ से बॉलिंग करनी है इधर को, इधर तेरा क्या है तू ऊपर से फेंकता है, ऊपर से फेंकेगा जितनी अंदर घुसेगा उतनी बॉडी में ऐसे गिरी, सीधी करनी है बॉडी तो सीधा थोड़ा सीधा ठीक है, अंदर नहीं है कि अंदर ही घुसा, रुकियो वहां पे बोल डाल के अभी भी देखते हैं करता है। एक्चुअली करण ये ना काफी नया बच्चा है अभी, एक महीना भी हुआ इसको, इसको तो आर्यन का तो हो गया एक साल पूरा मेरे पास, इसको अभी एक महीना हुआ है, ब्यूटी ब्यूटीफुल बॉल एक्सीलेंट, सीम भी आ रही है और टप्पा भी ठीक है, थोड़ा स्पीड से जा रही है, पहले बिल्कुल आपकी एयर में जा रही थी ज्यादा, स्पीड भी थोड़ी सी फास्ट हुई है बॉल, याद रखनी है चीजें, कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है सिद्ध, कोई बात नहीं बेटा करण एक और डालो आप, करण को तो एक करण भैया को देखो अच्छे से देखो, करण भैया को इनका सारा देखो मैं, देखे एक एक दोनों डालो, मेरे तो बिना सीम नहीं जाती ना मेरा मन नहीं लगता है, आयरन डालो ब्यूटीफुल बॉल आर्यन,